कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकडाउन में बेसहारा और गरीब लोगों को टोंक नगर परिषद की ओर से सभी वार्डों में राशन वितरण का कार्य चल रहा है। अब तक लगभग 50 वार्डों में सूखा राशन बांटा जा चुका है और इसी के तहत वार्ड नंबर 41 के वार्ड में राशन वितरण किया गया। वार्ड पार्षद सुनील बंसल ने ये राशन गरीबों को दिया। आज टोंक शहर में जो पिछले 3-4 दिन से प्रदेशाध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री श्रीमान सचिन जी पायलट के निर्देशानुसार यहाँ जिला प्रशासन व नगर परिषद और भामाशाहों की मदद से जो वार्डों में डोर टू डोर खाद्य सामग्री की जो आपूर्ति की जा रही है, उसके अंदर जो लोग बेसहारा मजदूर गरीब जो पिछड़े वर्ग से हैं, जो डेली रोज अपना काम करके शाम के टाइम अपना गुजारा करते थे, उन परिवारों को सरकार की तरफ से जो पायलट साहब का जो उनका एक वो है कि मेरे होते हुए टोंक के अंदर इस कोरोना बीमारी से कोई भी आदमी भूखा नहीं सोएगा, उसको लेके आज वार्ड नंबर 41 में अभी ये कार्य जारी है और आगे भी लगभग आज 50 वार्ड तक ये कार्य पूरा हो जाएगा।